नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आज़मी जॉब्स अपडेट में। तो दोस्तों, अभी की कुछ जॉब्स अपडेट आई हुई थी, मैं सोचा आप लोग तक अपडेट पहुंचा दूं। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली जॉब के रिलेटेड अपडेट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बढ़ते हैं पहली रिक्वायरमेंट जो है उसकी तरफ। पहली रिक्वायरमेंट जो दोस्तों है यहाँ पे, अर्जेंट रिक्वायर्ड फॉर ए लीडिंग 4-स्टार प्रॉपर्टी एट KSA। ठीक है, ये फ्री रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट इंटरव्यू जो है मुंबई में शॉर्टली होने वाला है। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट देख लेते हैं क्या। इसमें जो है HVAC मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए और शुड बी फुली कन्वर्सेंट विथ US नेशनल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोर्स। ठीक है, उसके बाद जो है फायर फाइटिंग मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, इसके लिए भी शुड बी फुली कन्वर्सेशन सेम इसका भी हुआ है। और HVAC टेक्नीसियन फोरमैन चाहिए और बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन चाहिए। ठीक है, सैलरी 1500 से 1800 है और बाकी सैलरी जो है निगोशियबल है मेरे हिसाब से। इसमें जो है 2 साल का ITI सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रिकल इज मस्ट होना चाहिए। एक्सपीरियंस भी 4 साल का 4-स्टार होटल का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कारपेंटर है, सैलरी जो है 1500 से 1800 है, इसकी भी जो है सामने लिखी हुई आप देख सकते हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और टेक्निकल सुपरवाइज़र चाहिए मैकेनिकल एंड AC बेसिक। ठीक है, सैलरी जो 1800 से 2000 रियाल है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद चिल्डर प्लांट ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 1800 से 2000 रियाल है। इसमें भी डिप्लोमा AC रेफ्रिजरेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हाई राइज बिल्डिंग फॉर AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसमें भी उसके बाद जो है AC टेक्निकल चाहिए, सैलरी जो है 1500 से 1800 है। ठीक है, उसके बाद जो है BMS टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 1500 से 1800 है और सर्टिफिकेट फायर अलार्म का होना चाहिए और नॉलेज ऑफ हाई राइज बिल्डिंग का होना चाहिए। ड्राइवर चाहिए दोस्तों इसमें 1400 से 1600 रियाल है। एक्सपीरियंस इसमें भी 3 से 4 स्टार होटल का होना चाहिए। वैलिड सऊदी अरबिया ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइफ गार्ड चाहिए, हेल्थ क्लब अटेंडेंट चाहिए, सैलरी 1400 से 1600 इसमें भी है। हेल्थ सेफ्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल की और एक्सपीरियंस आपको थोड़ा बहुत होना चाहिए। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट चाहिए, सैलरी 1300 से 1500 है। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस 4-5 स्टार का होटल का होना चाहिए। उसके बाद IT असिस्टेंट चाहिए, सैलरी 1400 से 1600, ITI डिप्लोमा कंप्यूटर मैनेजमेंट होना चाहिए। पेंटर चाहिए दोस्तों, इसमें सैलरी 1500 से 1800 रियाल है। ITI सर्टिफिकेट मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो दोस्तों है फूड जो है 400 रियाल फूड के लिए आपको दिया जाएगा अलग से सैलरी के अलावा। अकोमोडेशन भी दिया जाएगा और बाई कंपनी ट्रांसपोर्टेशन बाई कंपनी। कैंडिडेट मस्ट हैव मैंडेटरी 2 ईयर गल्फ एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 साल का आपका गल्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सेंड देयर अपडेट CV पासपोर्ट कापी फोटो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाई मेल विद द पोजिशन अप्लाइड इन द सब्जेक्ट लाइन। नीचे इनका मेल ID कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया हुआ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। अगली रिक्वायरमेंट दोस्तों जो है वो कतर के लिए, ये भी फ्री रिक्वायरमेंट है कतर के लिए। ठीक है, इसमें जो है नीट कैंडिडेट ओनली फ्रॉम आयल गैस, जिनको आयल गैस का एक्सपीरियंस है वही लोग इसमें अप्लाई करें। ठीक है, फ्री फूड है और फ्री अकोमोडेशन है। आइए रिक्वायरमेंट देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल सीनियर इंजीनियर चाहिए और इंजीनियर चाहिए, सीनियर डिज़ाइनर चाहिए। ठीक है, और डिज़ाइनर चाहिए। उसके बाद जो है HVAC डिज़ाइनर चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन लीड इंजीनियर चाहिए, सीनियर इंजीनियर चाहिए और नॉर्मल इंजीनियर चाहिए। सीनियर डिज़ाइनर चाहिए और नॉर्मल डिज़ाइनर चाहिए। पाइपिंग चाहिए सीनियर इंजीनियर के लिए और सीनियर इंजीनियर चाहिए, नॉर्मल इंजीनियर एंड सीनियर डिज़ाइनर चाहिए। प्रोसेस इंजीनियर चाहिए, सीनियर डिज़ाइनर चाहिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियर सीनियर डिज़ाइनर डिज़ाइनर चाहिए। टेक्निकल सेफ्टी सीनियर इंजीनियर और टेलीकॉम सीनियर डिज़ाइनर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है अभी, तो आप लोग इनको अपना CV जो है मेल करिए मेल ID पे और कॉल करने के लिए इनको नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप वहाँ से जो भी क्वारी करनी है आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। दोस्तों अगली जो रिक्वायरमेंट है मालदीव के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है मालदीव में काम करने के लिए। दोस्तों ए रिपोर्टेड कंपनी इन मालदीव रिक्वायर फॉलोइंग कैंडिडेट। इसमें जो है प्रोक्योरमेंट मैनेजर चाहिए, सैलरी बहुत ही अच्छी है, 1500 से 2000 USD है। ठीक है,
तो उसके पास सेल्स मैनेजर फॉर पावर टूल्स के लिए चाहिए 1500 से 2000 USD, इसकी भी है। सीनियर क्वांटिटी सर्वेवर चाहिए 2000 USD है इसकी भी, और प्रोजेक्ट प्लानर चाहिए 1500 से 2000 USD है। सेल्स सुपरवाइजर चाहिए 500 से 900 USD है। फार्मासिस्ट चाहिए एम फार्मा का 1000 से 1200 USD, ठीक है। अदर बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। यहाँ पे दोस्तों मालदीव के लिए अच्छी जो बोनस वगैरह मिलता रहता है, ठीक है, सर्विस बेनिफिट वगैरह भी मिलता है। और ऑल कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉरवर्ड देयर रिज्यूम ऑन आवर मेल ID naushadinterprises4@gmail.com, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट को सेंड करिए, और इनका ऑफिस का एड्रेस भी नीचे लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, आप लोग कॉन्टैक्ट करके कोई भी इक्वायरी विदाउट हेसिटेटिंग ले सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। दोस्तों अगली रिक्वायरमेंट फिर से जो है वो सऊदी अरब के लिए, फॉर ए लीडिंग TCU मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन केस से लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें जो है दोस्तों मशीन ऑपरेटर चाहिए, 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग TCU में होना चाहिए, ठीक। आप लोग इनकी कंडीशन ज़रूर पढ़ लिया करें, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करता हूँ। अदरवाइज़ आप लोग डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हैं, कंडीशन नहीं देखते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए, कैसे क्या चाहिए, तो आपका CV जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग इसी हिसाब से अपना CV या तो अपडेट करिए या तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इनकी टर्म कंडीशन जैसे 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप CV भी लिख दिए 1 साल का एक्सपीरियंस, तो इसमें तो CV तो रिजेक्ट रिजेक्ट तो होगी। तो इसी तरीके इसी वजह से आप लोग ध्यान दीजिए। मशीन ऑपरेटर जो चाहिए इसमें 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, और उसके बाद प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए, इसमें भी 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग TCU का होना चाहिए। एबिलिटी टू इम प्रोडक्शन प्रोसेस एंड कैलकुलेट द OEE, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी सुपरवाइजर चाहिए, 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस, इसको भी सेम रिलेवेंट होना चाहिए। फोर्कलिफ्ट ड्राइवर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए, ठीक है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस फोर्कलिफ्ट ड्राइवर में होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एब्जॉर्व मशीन मालफंक्शन, ठीक है, प्रीवियस एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ पेपर एंड पैकेजिंग मशीन का होना चाहिए। इसका जो डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू दोस्तों 28 अक्टूबर को होगा मुंबई में, ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है नीचे, ठीक है। उसके बाद मैंगलोर में 30 तारीख को होगा, ठीक है, मैंगलोर ऑफिस का भी एड्रेस दिया, और नीचे जो है इनकी हेड ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है, इनके व्हाट्सएप पे भी बात करके CV वगैरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे हेड ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो स्क्रीन शॉट आप मुंबई का ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। अगली रिक्वायरमेंट दोस्तों फिर से सऊदी अरब के लिए, ये नस्मा इंटरनेशनल कंपनी है सऊदी अरबिया में, नियोम प्रोजेक्ट है, जूम इंटरव्यू इसका होगा, ठीक है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो ड्रिलिंग जंबो ऑपरेटर चाहिए, एक्सपीरियंस 10 साल का होना चाहिए मिनिमम, हाई स्किल होनी चाहिए। उसके बाद ड्रिलिंग ऑपरेटर जंबो चाहिए, अप टू 5 ईयर एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए, और मीडियम स्किल चलेगी। उसके बाद शॉर्ट क्रेट ऑपरेटर चाहिए, एक्सपीरियंस 10 साल का मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। हैवी इक्वाइमेंट मैकेनिक चाहिए, द जॉब कंसिस्ट ऑफ द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वाइमेंट हाइड्रोलिक एंड प्न्यूमेटिक सिस्टम्स, इंजन व्हीकल पंपिंग स्टेशन एंड जनरेटर सेट्स अंडर द सुपरवाइजन ऑफ द मैकेनिक मैनेजर, मैकेनिकल मैनेजर, ठीक है। उसके बाद हैवी इक्वाइमेंट इलेक्ट्रीशियन चाहिए, द जॉब कंसिस्ट ऑफ द असेंबली, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए नीचे ऐसा इसकी ड्यूटी जो है 10 घंटे की ड्यूटी है, ठीक है। कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन फूड जो है सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, ठीक है दोस्तों। ऑफिस का जो एड्रेस है यहाँ पे, ऑफिस का एड्रेस भी है और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, मेल ID भी है, आप लोग फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, या मेल ID पे अपना डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वारी करना ज़रूरी, आप लोग क्वारी कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगली रिक्वायरमेंट की तरफ। अगली रिक्वायरमेंट दोस्तों फिर से सऊदी अरब के लिए, रिक्वायर्ड फॉर आयल गैस कंपनी सऊदी अरबिया, क्लाइंट इंटरव्यू जो है 27 अक्टूबर को इसका होगा। इसमें जो दोस्तों रिक्वायरमेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, FRP पाइप रिपेयर लेमिनेशन का, और केमिकल क्लीनिंग सुपरवाइजर सुपरवाइजरी इंजीनियर चाहिए, ठीक है। उसके बाद केमिकल क्लीनिंग फोरमैन चाहिए, उसके बाद वेब डिज़ाइनर चाहिए,
क्रेन ऑपरेटर्स चाहिए हाइड्रोलिक का, और मटेरियल इंजीनियर्स चाहिए, और मैकेनिकल इंजीनियर सिलो ट्रीटमेंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोरिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए, और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए, वॉल्वे रिपेयर टेक्नीशियन चाहिए, मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, मैकेनिस्ट लाटे ऑपरेटर चाहिए। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए दोस्तों नीचे यहाँ पे इनका ऑफिस का एड्रेस और इनकी मेल आईडी दी हुई है, आप अपना डॉक्यूमेंट मेल करिए, कॉन्टैक्ट करिए इनके मोबाइल नंबर पे। ठीक है, अगर व्हाट्सअप होगा तो वहाँ पे भी आप अपना सीवी वगैरह सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी की यही कुछ रिक्वायरमेंट आई हुई थी तो सोचा आप लोग को अपडेट कर दूँ। ऐसा तो नहीं है कि पूरी रिक्वायरमेंट इसमें कवर हुई होगी, लेकिन जो भी थी मैं आप लोग को अपडेट कर दिया। फिर किसी रिक्वायरमेंट अगर कोई पब्लिश होती है तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा, इसलिए आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट, अगर रिक्वायरमेंट पसंद आई है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस सब्सक्राइब और लाइक चाहिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक, आपका भाई रिप्लाई आपको करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।